क्वेश्चन नंबर वन, दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, टू मैग्नेटिक साउथ पोल्स आर लोकेटेड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। इफ पोल्स ऑफ ईच मैग्नेट हैज अ पोल स्ट्रेंथ, छोटा एम पता है 8, छोटा एम पता है इसका 8, एंड ये कितने सेंटीमीटर अपार्ट है, 4, ऐसे। तो आपको इसमें क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। क्या लगेगा, कूलम्स लॉ। तो कूलम लॉ में एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो ये सब कुछ पता है आंसर, ये पहला आंसर है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू। टू इक्वल एंड अनलाइक पोल्स प्लेस 5 सेंटीमीटर इन एयर, तो एक नॉर्थ और एक साउथ। तो आर की वैल्यू इसमें गिवन है हमें, फोर्स की वैल्यू हमें इसमें गिवन है। हाउ फार फ्रॉम ईच अदर शुड दे बी प्लेस ताकि फोर्स अट्रैक्टिव हो जाए। तो यानी कि आर वन गिवन है, एफ वन गिवन है, दूसरे केस में आर टू निकालना है, एफ टू गिवन है। तो हमें पता है कूलम लॉ में एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, तो एफ वन बाई एफ टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वेयर बाई आर वन स्क्वेयर, निकाल लेना एफ टू, बाकी सारी चीजें गिवन है। इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो गया फिर से कूलम लॉ, ठीक है यहां तक फॉर्मूला क्या लगेगा समझ में आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हो गया, टू मैग्नेटिक पोल्स हैं और जिसकी पोल स्ट्रेंथ एम है और दूसरे की 10 इंटू एम है। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में फोर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स, एम निकालना है। भाई सीधा फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम इंटू 10 एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो ये गिवन है, गिवन है, गिवन है, यहां से सॉल्व करके क्या आ गया, एम आ जाएगा, एम आ गया तो 10 टाइम्स हो जाएगा आंसर। फोर्थ हो गया, फिफ्थ में, फिफ्थ ऐसे होगा, टू बार मैग्नेट जिसकी लेंथ गिवन है, तो ये दो बार मैग्नेट्स ले लो, इसकी जो लंबाई है लेंथ वो 0.1 मीटर है, ऐसे। एक और बार मैग्नेट है ये री, जिसकी लंबाई अगेन कितनी है, 0.1 मीटर है, ऐसे। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है और आपको ये भी गिवन है, पोल स्ट्रेंथ सबकी गिवन है 75 m 75, इसमें भी m 75, इसमें भी m 75 गिवन है। अब पहले केस में कह रहे हैं नॉर्थ ऑफ वन फेस साउथ ऑफ अदर, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ऐसे। तो फिर ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ है, ऐसे। तो आपको नेट वे और दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है 0.2 मीटर, दोनों के सेंटर्स में दूरी गिवन है, ऐसे। कह रहे नेट फोर्स बोलो एक दूसरे पे क्या लगाएंगी, कुल मिलाकर कितनी फोर्सेस लगेंगी ना, 4। ये इस पे तो लगाएगा नहीं, साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल, पहली फोर्स, राइट। साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, दूसरी फोर्स अट्रैक्ट। नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल। तो पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस निकाल लें, रिपल्सिव निकाल लें, फिर बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस करें। फिर ऐसे सेकेंड पार्ट करें, मैग्नेट को उल्टा रख दें नॉर्थ नॉर्थ के साथ, फिर से इवेल्युएट करें, नेट फोर्स आएगी। तो 4 फोर्सेस का वेक्टर सम आएगा। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 8th। टू थिन बार मैग्नेट्स और पोल स्ट्रेंथ गिवन है m1 m2 एंड लेंथ्स गिवन आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये लो। तो ये एक मैग्नेट है और ये एक दूसरी मैग्नेट है, विद नॉर्थ टचिंग साउथ ऑफ अदर। तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो इसमें ये 25 m की वैल्यू 25 है और यहां पर भी 25 है। यहां पर m की वैल्यू 48 है और यहां पर m की वैल्यू 48 है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से कहां है इस मैग्नेट का, साउथ से नॉर्थ। कितना, स्मॉल m इंटू 12, आपको पता है लेंथ निकाल लेना है इसकी, लेंथ गिवन है इसमें, तो लेंथ इसमें 12 है, l नहीं है। फिर ऐसी यहां पर साउथ से नॉर्थ, तो m2 आ गया। m1 m2 90 डिग्री पे है, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज द आंसर। कर लोगे सॉल्व,
फैक्टर समाएगा। कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। ये शीट की हाँ, ये अलग फॉर्मूला है इसके। एक बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट कितनी कितनी लेंथ है इसकी? एल की वैल्यू है 0.10 मीटर, रादर ये तो 2L गिवन है, 2L बार मैग्नेट की लेंथ 2L होती है, और पोल स्ट्रेंथ छोटा m गिवन है 12, तो इसका भी 12। मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r, एक्सिस का मतलब b कौन सा लगाना है इसमें? b एक्सियल। फॉर्मूला बोला क्या था? म्यू नॉट बाय 2 m/r का क्यूब, शॉर्ट लगा लेना आंसर, और कैपिटल m की जगह क्या पुट करेंगे? स्मॉल m इनटू 2l, इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना चलेगा आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा। तो एक्सियल n का फॉर्मूला शॉर्ट डायपोल का डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बी। बार मैग्नेट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग, तो क्या गिवन है? 2l। पोल स्ट्रेंथ क्या गिवन है? छोटा m, तो स्मॉल एम इंटू 2l कैपिटल एम। एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल, ये क्या है? ये देखो, ये आपके सामने एक बार मैग्नेट है, आपको इस क्वेश्चन में 2l गिवन है, तो l और l तो निकाल ही लोगे, तो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच पोल ये बन गया ना, ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, पर अपने को तो ये r चाहिए इक्वेटोरियल लाइन में, तो क्योंकि आपको l पता है, क्योंकि आपको ये पता है, तो पाइथागोरस से r आ जाएगा, फिर लगा लेना फॉर्मूला, बी इक्वेटोरियल का आंसर आएगा। ठीक है यहां तक? तो स्ट्रेट वे आर को 10 मत पुट कर देना, ईच पोल से डिस्टेंस 10 है। टू के बाद क्वेश्चन नंबर 3, बार मैग्नेट हैज अ लेंथ ऑफ 2L गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इन ब्रॉडसाइड पोजीशन गिवन है। ब्रॉडसाइड पोजीशन क्या होती है? एंड ऑन होता है एक्सियल, ब्रॉडसाइड होती है इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगेगा, तो आपको इसमें सब कुछ गिवन है, बस फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ निकालनी है, स्मॉल एम, तो कैपिटल एम तो निकाल ही लोगे, कैपिटल एम क्या होता है? स्मॉल एम इनटू 2l, वहां से स्मॉल एम आ जाएगा पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप इज गिवन, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? कैपिटल एम, और सर्कुलर लूप का होता है क्या? करंट इनटू एरिया, तो क्या निकालना है? फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, बी निकालना है एक्सिस पे, इतने डिस्टेंस फ्रॉम द लूप। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है, एक्स आपको पता है एंगस्ट्रॉम में 1 × 10⁻¹⁰ मीटर पे आपको बी निकालना है, तो प्रॉब्लम कि आपको कैपिटल एम क्वेश्चन में गिवन है, आपको रेडियस गिवन है नहीं, करंट गिवन है नहीं, तो कैपिटल एम गिवन है, तो रहने दो ना, छोड़ो कैपिटल एम गिवन है, तो बी का फॉर्मूला लगा लेना, एक्सएल क्या होता था याद करो, म्यू नॉट बाय 4π, आगे 2, अच्छा 2πIR² आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर। अब इसमें करंट इनटू एरिया की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? कैपिटल एम, तो कैपिटल एम पुट कर देना सीधा इसमें, ऐसे तो अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कैपिटल एम पुट करके आंसर आएगा। हाँ गिवन नहीं है रेडियस इसमें, हाँ रेडियस तो फिर भी चाहिए यार, आर की वैल्यू से डायपोल तो है ही नहीं, वो रेंगे क्या पता नहीं मुझे यार, मेरे को तो लगता है मुझे रेडियस चाहिए, हाँ तो शॉर्ट डायपोल लगा दिया यार इसमें, एक्सियल लाइन अच्छा, पता है क्या किया उसने? देखो इसके अंदर वो ये कह रहा है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप गिवन है, सर्कुलर लूप है, ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप निकालना है। अब देखो एक पोल साउथ है एक नॉर्थ है, एक लूप एक्ट लाइक अ मैग्नेट, मैंने खुद ही करवाया था ना ऐसे,
सोलेनोइड के रिंग्स एक मैग्नेट की तरह है, तो सोलेनोइड के रिंग तो एक मैग्नेट ले लो, तो एक मैग्नेट के एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूर बी निकालना है, तो एक्सीएल का इसलिए फॉर्मूला लगा दिया। तो रिंग में तो पूरी टर्म नहीं थी, आर तो गिवन नहीं था, तो उसने इसको क्या ट्रीट कर लिया, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के एक्सियल यानी एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला शॉर्ट डायपोल आंसर आ गया। ठीक है, थ्योरी में तो हमने कर लिया था, प्रैक्टिकल देख लिया, अगर वहां से बात नहीं बनेगी तो फिर मैग्नेट समझ के बात बन जाएगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड गिवन एट अ मैग्नेटिक इक्वेटर। ये फील्ड कहां पर है? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है? जीरो। तो पोल्स पे क्या होगा? देखो, सबसे पहली चीज, एक बी जो होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है? बी इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। डेल्टा पोल्स पे क्या है? जीरो। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड एच ही तो होता है, वर्टिकल होता ही नहीं इसमें। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? अर्थ का फील्ड पता है तो बी पता है। तो अगर आपको इसमें बी पता है तो आपको पोल्स पे निकालना है। पोल्स की क्या प्रॉब्लम है? पोल्स पे सिर्फ और सिर्फ होता ही वर्टिकल है, क्योंकि पोल्स पे ये क्या होता है? 90। तो आपको एक तरीके से क्या निकालना है? वी निकालना है। अब बी होता क्या है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट कर लेना इसमें, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इसने खैर और ही तरीके से कर दिया, एक्सेल इक्वेटोरियल। मैं ऐसे सोच रहा था, पहले इक्वेटर बना लेते हैं फिर पोल ले लेते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर एच बी के इक्वल है, पोल्स के ऊपर वी बी के इक्वल, ये निकालना है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट आएंगे क्योंकि क्योंकि एक पोल्स है और एक इक्वेटर, अगर सेम होते तो बात ही खत्म थी। तो ये इक्वेटर है, तो मैं सोच रहा था कि बी एच के इक्वल है और ये तो मुझे गिवन ही है, ये गिवन है। तो बी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ इक्वेटर के ऊपर, नहीं वो तो बी एच के इक्वल है, बात बनेगी नहीं। डेल्टा इसमें जीरो ना, और इसकी वैल्यू यहाँ यूज कर नहीं सकते, वो यूज नहीं, गड़बड़ हो गई, दोनों में लिंक नहीं निकला कोई, ना तो बी का लिंक निकला ना डेल्टा का लिंक निकला, कुछ भी नहीं निकला एक्चुअल। वो इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट ही है। फिर उसने वही कहानी खेल ली जो आज हमने वो की थी अर्थ वाली। ये अर्थ है, एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर लिया उसने अर्थ को। तो इक्वेटर के ऊपर ई इक्वेटोरियल, इक्वेटर के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? ई इक्वेटोरियल, और ये तो हमें पता ही है एच गिवन है। और ऐसी पोल्स के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो बी एक्सियल। तो मैग्नेट समझ के सॉल्व कर दिया इक्वेटर पे और पोल्स पे, तो बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पहले होमवर्क ही करो यार, तो सारी शीट जो पेंडिंग है वो आपका होमवर्क है।